नमस्कार, मैं राजेश सर, आप देख रहे हैं जीटीबी न्यूज। यूपी के चित्रकूट जिले के करवी ब्लॉक के भरतकूप क्षेत्र के बिदर पुरवा गोंडा भरतकूप निवासी राज बहादुर पुत्र रामचंद्र बांदा रोड स्थित दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में हाकर का काम करता था और झोपड़ा बनाकर एक पान की गोमटी रखकर रोजी रोटी करता था। लेकिन उक्त व्यक्ति की झोंपड़ी व डिब्बे में कल दिनांक 1/5/2019 को समय लगभग 8 बजे आग लग गई, जिसमें एक तखत, एक चारपाई, एक जोड़ी गद्दा रजाई, 3 जोड़ी पहनने वाले कपड़े, राशन कार्ड, बैंक पासबुक आदि जलकर खाक हो गए। कल अचानक आग लग जाने से एक तखत, एक चारपाई, एक जोड़ी गद्दा रजाई, 3 जोड़ी पहनने वाले कपड़े, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, विकलांग सर्टिफिकेट, 1000 नगद आदि हजारों का सामान जलकर खाक हो गया, जिसकी सूचना इलाकाई पुलिस को तत्काल आनंद फानंद में दी गई, जिसमें तत्काल इलाकाई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। उक्त मामले की सूचना इलाकाई लेखपाल प्रधान आदि को भी दे दी गई है। क्या नाम है? राज। पिताजी का नाम? रामचंद्र। क्या करते हो? दैनिक जागरण पेपर का हाकर हूं। ये आग कैसे लगी? ये अपने से आग लगी, किसी ने लगा दिया। अच्छा, आप कहाँ थे? मैं घर पर था। आपको कैसे पता चला? फोन द्वारा जारी मिला है। तो कौन लगाया कुछ पता चला? कोई उध नहीं चला। कितने बजे लगी है? 7:30 बजे शाम को। इसमें विकलांग सर्टिफिकेट था, पासबुक थी, कक्षा 8 से 1 तक की मार्कशीट थी। हाँ, पैसा था 2000-3000 रुपये मान के चलो। बर्तन था सारा, कपड़ा रहा, दो जोर दूठ तखत रही, एक चारपाई रही, 25-30 किलो लगभग रद्दी पेपर रहा। आपने इसकी सूचना पुलिस चौकी में दी? हाँ। कौन आया था? दरोगा साहब आए थे। क्या बोले थे? बस मुआयना वाना कर गए, उसके बाद कुछ नहीं बोला अभी। पेशा चित्रकूट से राधा बिहारी पाठक की खास रिपोर्ट।